हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अब्दुल हादी और आप देख रहे हैं लेट्स रिएक्ट। तो यार आज मैं करने वाला हूं रिएक्शन सिद आशी के एक और इंटरव्यू पे, और ये राउंड का नाम है जी रील बडीज। तो देर नहीं करते क्योंकि ये पहले ही बहुत लंबा है, और फिर देखते हैं जी कैसा इंटरव्यू गया है। तो बड़ा मज़ा आने वाला है यार, इनके इंटरव्यू जो है ना, सिद्धार्थ के खास कर इंटरव्यू बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि ये बड़ी चालाकी से जवाब देता है, समझ रहे हो। तो लेट्स रिएक्ट। तुम्हें लगता है कि मैं अच्छा दिखता था और तुम्हें तो अच्छा दिखूंगा, तो इसने बोला कि यार मैंने जो तुम्हें बहुत पहले देखा था ना, तो आई वाज लाइक कि ये मतलब ओ भाई इसके साथ ऐसा था। अब तो मैं तड़पती हूँ तुम्हारे साथ काम करने के लिए। पूरी बात मतलब मैं सुन के बस सुनने ही वाली थी। अच्छा क्या सांप कुछ बोल रहा, तब तक तो कुर्सी के ऊपर खड़ा हुआ था। जब मुझे पहले अलादीन ऑफर हुआ था मैंने मना कर दिया था, आई डोंट वांट टू डू इट बिकॉज मुझे किसी को रिप्लेस करके फिर बहुत सारी गालियां बिल्कुल नहीं खानी। रिप्लेस हुई है रील पड़ी। When two of the youngest talents come together, one can only expect firework. Today, I have two of the youngest talents from the industry, Siddharth Nigam and Ashish Singh, with me on fourth episode of Real Buddies. Welcome to Real Buddies, both of you. Firstly, thank you so much for doing this. Before anyone gets there, I want to know Yasteen or Siddharthi, जिस तरीके से fans आप लोगों को ship करते हैं, कौन सा जो नाम है बनाया जो fans हैं वो आपको ज़्यादा पसंद? For me, it's Yasteen. Because मैंने नहीं सुना ये पहले. Of course, हम मिले ही उसकी वजह से, एक show की वजह से, हम दोनों की दोस्ती भी वहीं से शुरू हुई, तो Yasteen. But do you remember how was your first meet ever? Like, what did you guys think of each other? I think हम लोग अच्छे से सेट पे मिले हैं, अदरवाइज जब भी हम पार्टी में मिले हैं तो ये अगर 100 मील खड़ी तो मैं 200 मील खड़ा हूँ उसमें। इतना ही होता था। सिद्धार्थ का वो जो फर्स्ट मीट था वो तो ऑन स्क्रीन था, बिकॉज तब तक मैंने एक्टिंग स्टार्ट नहीं की थी। क्या बात कर रही हो, तुमने कब शुरू किया एक्टिंग? मैंने बहुत बाद में स्टार्ट किया, सो आई एक्चुअली यूज्ड टू सी दीस पीपल और मैं सोचती थी कि अरे मुझे भी ये करना है लेकिन फ्यूचर, और मैं अपनी पढ़ाई में बिजी रहती थी। बट आई सॉ सिद्धार्थ ऑन स्क्रीन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ शो का, आई गेस। तब से मेरी ये फैन। यू विश। ओह अच्छा, कैसी है? But when you first met him on the sets of Aladdin, what was your first impression? Okay, so मैं सिद्धार्थ से just lockdown के पहले मिली थी, सिद्धार्थ की ही एक music launch party में। अच्छा। और I kind of thought कि सिद्धार्थ बहुत reserved है, not really arrogant but he is reserved or someone who doesn't talk much और ऐसा। तो जब मैं set पे भी पहले दिन गई तो मेरा एक ये मतलब point of view था of course उसको लेके, और मैं सोच रही थी ठीक है I'm also not gonna talk much, अगर वो नहीं बात करेगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मतलब अगर बात किया तो मैं कर लूंगी वरना it's fine, ठीक है, क्योंकि मुझ पर बहुत सारा प्रेशर था यास्मीन का तो करना था। बट सिद्धार्थ वॉज वेरी स्वीट एंड आई वॉज सो सरप्राइज, और मैं घर आके कह रही थी अरे मम्मी पता है सिद्धार्थ तो एकदम ऐसा है, मैं तो ऐसा सोच रही थी। सो दैट वॉज माई रिएक्शन। एंड एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा पर्सनल है, एंड दैट इज मैंने आशीष से पूछा कि तुम मुझे जानती थी? तो आशी बोला हाँ मैं तुम्हें जानती थी एंड मैंने तुम्हारा काम वाम देखा था। मैंने कहा अच्छा अच्छा, तो क्या मतलब तुम्हें लगता है कि मैं अच्छा दिखता था और तुम्हें तो अच्छा दिखूंगा? तो इसने बोला कि यार मैंने जो तुम्हें बहुत पहले देखा था ना, तो आई वाज लाइक कि ये मतलब इसके साथ ऐसा था। एंड तो मैंने वो कन्फर्म करने के लिए पूछा कि अब नहीं नहीं अब तो मैं तुम्हारी फैन हूँ, अब तो मैं तड़पती हूँ तुम्हारे साथ काम करने के लिए। मुझे अपना फैन बना रहे पर ओके ठीक है। अरे तुमने ही बोला था यार। हाँ सिद्धार्थ मैं तुम्हारी बहुत एक्सेप्ट करने में क्या जाता है। फैन तुम खुश हो जाओ। बट डिड यू रियली थिंक दैट ये मतलब जब आपने पहली बार देखा? नहीं, जब मैं सिद्धार्थ को पहले टीवी पे देखा था तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता था ऑनेस्टली, और मतलब ठीक है मैंने कभी ऐसे देखा ही नहीं है होगा वैसा मेरा रिएक्शन होता था सिद्धार्थ को। आल्सो ही वाज वेरी यंग एट दैट टाइम। वेरी यंग, बहुत छोटा था यार, छोटू सा विद द एब्स, मुझे बहुत वियर्ड लगता था। वक्त बदलता है दोस्तों, बस
इतना छोटा सा लड़का और उसको ऐप दे, मैं कहीं ये नकली है ये क्या, आई डोंट नो, बिकॉज़ मैं भी बहुत ही छोटी थी उस टाइम पे, आई वाज इन स्कूल दैट टाइम, तो मुझे उतना पसंद नहीं था सिद्धार्थ. और फिर जब मैंने इसे सेट पे देखा तो मैं सोची नहीं यार ये तो असलियत में अच्छा दिखता है, काफी अच्छा दिखता है मैंने, गजब धोखा हो सकता है कभी-कभी नहीं, बट ही लुक्स गुड. मतलब पहले एक्चुअली खुद बोलता है कि मैं अच्छा नहीं दिखता था, वो छिलावा आलू कह सकते हैं. जब मुझे पता चला कि आशी सेट पे आ रही है और वो यास्मीन का रोल प्ले करने वाली है, विच इज इट्स अ वेरी बिग बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके लिए बहुत रिप्लेस करना यार बहुत बड़ी. तो हम सबकी जो एक्सपेक्टेशन थी, जो होप थी, ऐसे यार वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस होनी चाहिए. इट्स रियली हार्ड फॉर एनी वन, किसी के लिए बहुत मुश्किल होता है टू यू नो उस चीज़ को गेन करना, उस लव को, उस प्यार को दोबारा गेन करना, और जो ऑडियंस जो उन्हें देखती है उन्हें उस तरह बनाए रखना कि हाँ अच्छे लग रहे हैं. सो आई थिंक ऑलरेडी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हम लोग भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हमारी भी बहुत हाई थी कि यार अच्छी एक्ट्रेस होनी चाहिए. देन डेफिनेटली मुझे पता था कि इन्होंने उन दिनों की बात में बहुत अच्छा काम किया था और इनका उन दिनों की बात का शूट बहुत ही अच्छा, यू नो अच्छा शो बहुत अच्छा चल रहा था. जब भी फर्स्ट टाइम सेट पे आते हैं बिकॉज ऑलरेडी बहुत नर्वस होते हैं, तो मुझे लगा था कि ये सेट पे आ रही है सबसे पहले मुझे तो इसके बॉन्डिंग बनाना बहुत जरूरी है बिकॉज तभी हमारी अच्छी केमिस्ट्री निकल पाएगी. एंड जब ये फर्स्ट टाइम सेट पे आई ना उसकी मैंने शक्ल दी, मुझे ना दया आ गई बिकॉज ये इतनी ज्यादा नर्वस थी, मतलब ऐसे सेट पे आके एकदम उसको पता ही नहीं क्या होने वाला है इसके साथ. मेरे पहले दिन मुझे तलवार पकड़ना नहीं आती और मेरे हाथ में तलवार पकड़ा दी, मैं क्या करूँ उसके साथ, भागते कैसे, एकदम डरी थी, तलवार दे दी तो बोले तुम्हें क्या, मैं गलत आ गई. और ऊपर से फिर थोड़ा सोशल मीडिया में भी थोड़ा बहुत इसको बहुत हेट करना शुरू हो गया. देन सबसे पहला टाइम होता है कि आपके जो आर्टिस्ट होते हैं जो आपसे काम कर रहे हैं वो आपके साथ अच्छे होने चाहिए, तो मैंने सबसे बड़ी बात इस चीज की जिम्मेदारी ली कि सेट पे वो एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए जहाँ पर इसको नए बंदे को अच्छा फील हो यार, या फिर मेरे साथ ट्रीटमेंट अलग हो रहा है. तो मैंने सेट पे पहले दिन से ये कर लिया था कि शी शुड नॉट फील कि मैं कौन हूँ या फिर मेरे साथ इसकी केमिस्ट्री क्या होने वाली है या फिर जितनी भी अदर आर्टिस्ट हैं. तो हम लोग साथ में बैठ के हमने पहले बोला था नहीं हमें इसको सपोर्ट करना है, हमें अच्छे से रहना है, और शी इज़ न्यू तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होगी क्योंकि हर एक कैरेक्टर के साथ आपको आपकी बॉन्डिंग केमिस्ट्री बनानी पड़ती है, तभी आप ऑन स्क्रीन इसको अच्छे से यू नो पुल ऑफ कर सकते हैं. सो आई थिंक वो चीज़ थी जो बहुत हेल्पफुल थी इसके लिए भी. एंड बहुत ट्रॉमा में थी ये कि कैसे होंगे, बट आफ्टर आई थिंक इन अ वीक जब जैसे सीजन टू का नया यू नो नया कैरेक्टर थोड़ा खुद से डेवलप करना था और सारी चीज़ें नहीं थी, अचानक से आशीष सिंह चेंज हो गई, मतलब बदल गई, एक अलग ही इसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया और यू नो हम लोग एक फैमिली बन गए. बट जब आपने साइन किया था आई रिमेम्बर बिकॉज यू वर रिप्लेसिंग अवनीत एट दैट पॉइंट एंड देयर वाज सो मच ऑन सोशल मीडिया, कैसे हैंडल किया आपने तभी वो सारी चीज? सो कहीं ना कहीं मैं मेंटली प्रिपेयर्ड थी क्योंकि ऑफ कोर्स आई न्यू मैं अवनीत को रिप्लेस करने जा रही हूँ, और दैट वाज द रीजन मैंने जब मुझे पहले अलादीन ऑफर हुआ था मैंने मना कर दिया था, आई डोंट वांट टू डू इट बिकॉज मुझे किसी को रिप्लेस करके फिर बहुत सारी गालियाँ बिल्कुल नहीं खानी. दैट्स ट्रू. बट क्योंकि फिर वो जब मेरे पास वापस आया तो कहीं ना कहीं आई जस्ट फेल्ट कि ओके मे बी या तो मैंने हाँ बोल दिया, और उसके बाद आई न्यू कि बहुत गालियाँ पड़ने वाली हैं, पीपल गोना हेट मी और एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा, पर फिर भी लोगों ने मुझे काफ़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया, मैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी. बाकी सब मैंने एक्सपेक्ट किया था तो कहीं ना कहीं आई यूज टू इग्नोर दी यू नो कमेंट्स मैसेजेस, अभी भी कुछ लोग करते हैं पर ठीक है, आई जस्ट वो थोड़ा बहुत तो थोड़ा पार्ट ऑफ लाइक आई थिंक इट आल्सो मींस दैट पीपल आर वाचिंग यू, दैट्स व्हाई दे आर गिविंग दैट. एंड आई आल्सो लर्न वन थिंग कि आप कुछ भी कर लो देयर वुड बी समवन हु वुडंट बी हैप्पी विद यू, सो या ट्रू जस्ट गिव अप ऑन दैट. सो एज लॉन्ग एज यू गाइस आर हैप्पी टू आर डूइंग राइट. बट टेल मी व्हाट डिड यू गाइस बॉन्ड ओवर, लाइक कोई एक था जैसे आइस ब्रेक करना होता है ना कि पहले जाके किस तरीके से फ्रेंडशिप करें, वो क्या सब कुछ मैंने पहले किया है. हाउ डिड इट ऑल हैपन? मैं ही सबसे पहले इसके पास गया, सो वो डरी हुई थी, दोस्ती बनाएगी कोई बात नहीं, हम यू नो डोंट फील नर्वस, ऐसा होता है तो लड़कों को करना पड़ता है ठीक है ना. हाँ लेकिन तुमने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया उसका. मैंने किया, डरी डरी रहती थी.
लेकिन फिर चीज़ें चेंज हुई और आई थिंक बहुत ही पता नहीं चला कब इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन गई हमारी। हाँ तो अभी उल्टा है, मैं अकेले बात करती रहती हूँ सिद्धार्थ से, मैं बोर कर रही हूँ कि मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ कि इसलिए नहीं नहीं बोलो मुझे ठीक है। फर्स्ट डे पे इनको नहीं लगा होगा कि आप इतना बोलते होंगे ना। मैं बहुत शांत थी, मैं पहले एक हफ्ते तो मैं एकदम शांत बस ऐसे बैठे रहती थी, चेंज हो गया फिर सेट पे यही बोलते रहते हैं हमें बैड जॉ लाइंस करते हैं यार ये बड़ी फिल्म है। बट आई मीन वन एक्चुअली टू इफ यू कैन good thing matlab something you like about your real body and something you dislike about your real body. The one thing I like about her is that ki even after getting so much hate she doesn't give a damn about it, matlab wo apne kaam pe dhyan diye baat, so I think ye bahut achhi cheez hai is body mein. And the bad thing is that ये जब आई थी ना इसको फिटनेस से बिल्कुल प्यार नहीं था, तो अब तो है ना यू आर सेइंग नाउ मतलब मुझे फ्रीक, तो मतलब मुझे इसको बोलना पड़ता था कि आशी वर्कआउट इम्पोर्टेंट होता है, नॉट टू मेक बॉडी बट इंटरनली फिट रहने के लिए वर्कआउट करा करो। हाँ मैं करूंगी इतनी शूट के बाद, बता रहा हूँ तारीफ करूंगा इतनी सारी बुराई मत करो, तारीफ करूंगा तो वो हाँ तो इतनी शूट के बाद मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो मैं इसको ऐसे ना मोटिवेशनल स्पीकर था कि नहीं जाओ एक घंटा निकालो सब कुछ करो। फिर इसको रियलाइज हुआ क्या हुआ, फिर ये मेरे साथ रोज एक एक घंटा हम लोग आफ्टर शूट वर्कआउट करते थे, फिर ये घर जाके जिम करती थी। हाउ डिफिकल्ट वाज दैट आई वांट टू नो बिकॉज़ आई हैव सीन वीडियोस ऑन इंस्टाग्राम। हां तो सेट पे मैं ऐसे मैट लगा के थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करता था बिकॉज़ शूट के दौरान टाइम नहीं मिलता। तो बहुत बार ऐसा हुआ, इनफैक्ट ऑन माय फर्स्ट डे इटसेल्फ जो सबसे पहला वो जो आइस ब्रेक था वो वहीं से स्टार्ट हुआ था, जो मेरे हाथ में तलवार पकड़ा दी और जो फाइट मास्टर थे मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था वो क्या कह रहे हैं, वो मुझे इतना एडवांस सिखा रहे थे, मुझे पकड़ने नहीं आती तलवार, मैं कैसे कर लूं जो आप बोल रहे हो। I was more conscious, more nervous. So Siddharth मेरे पास आया, जब वो चले गए तो एकदम कोने में सुनो इसको ऐसे करो वैसे करो, and I actually learned so well with it. So he actually इसने मुझे बहुत help किया with all these fight sequence और मेरा body language कैसा होना चाहिए उसके साथ। He's a very good teacher, I would say. मुझे लगता है बहुत strict है but he's good. साथ जी हैं। तो मैंने एक good चीज़ ऐसी बता दी। हाँ मतलब एकदम bad ही बता दो। Dad. But listen, I really want to know how is it working out with him? अगर सिद्धार्थ इस लेवल पे कर रहा है, मैं यहाँ कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं उसे देख के मैं भी यहाँ तक तो आ ही जाती थी और वो खुद अपना अलग वर्कआउट करता था ऑफकोर्स, और मुझे मेरे हिसाब से वो थोड़ा लाइट ही बताता था, एंड दैट वाज द रीजन मैं इतना जल्दी जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया फुल यास्मीन के लिए जब मैं आई थी आई वाज बिगिनिंग। थैंक यू। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इवन वेन यू आर थिंकिंग यू विल वर्क आउट बट देन ऑन डेज यू जस्ट फील लाइक ठीक है ना एक दिन नहीं किया तो क्या होता है, इट्स फाइन वी विल डू इट टुमारो, बट इफ यू हैव अ पर्सन हु विल टेल यू कि नहीं आशी यू हैव टू वर्क आउट। नहीं ऐसे नहीं बोलता ये, नहीं मैं प्यार से बोल रही हूं, ही डजंट से लाइक दैट, वो ना ऐसे ताने मारता है वर्कआउट कब करोगी बोल तो रही हो, देखते हैं वो ऐसे कर देते हैं लेकिन अच्छा हां ठीक है कर रही हूं ना, आई कैन अंडरस्टैंड बट नाउ यू व्हाट डू यू नॉट लाइक अबाउट सिद्धार्थ को कभी कुछ ऐसे बहुत इफेक्ट करता है ना या फिर कुछ भी होता है उसे कुछ बोलना है अबाउट एनी थिंग कुछ उसकी पर्सनल लाइफ में होगा या जो भी तो वो उसे आधी बात बोलेगा शुरू करेगा और कभी खत्म नहीं करेगा एंड देन वो कितनी क्यूरियोसिटी हो जाती है जानने की यार प्लीज़ बता दो एंड यू लाइक नहीं नहीं कुछ नहीं अरे इतना ही था तो शुरू ही क्यों किया था सो दिस इज़ वेरी अनोइंग डज इट हैपन ऑल द टाइम हाँ 90% ऑफ द टाइम ही डज दैट Yes. Do you do that? He does it that with text also. Like at one moment he'll reply like हाँ ठीक है चलो करते हैं उसके बाद वो next day तक शायद नहीं देखेंगे until and unless you put another message that hi there like have you read this have you read this but I get where you're coming from but is there anything else मतलब उन्होंने दो like बताया आपके जो चीजें इनको पसंद है मैंने तो बैठे-बैठे कितने सारे he's a very good co actor like there's nothing very bad about him वो जो मैंने एक बताया which is annoying not bad bad काफी लोगों की आदत होती है और मे बी समथिंग एल्स दैट ही नीड्स टू चेंज हेंस प्रूव्ड दैट यू नो देयर इज नथिंग वाओ एक्चुअली शी इज थिंकिंग सो मच दैट्स ग्रेट मतलब आपको तो बेस्ट फोर स्टार अवार्ड मिल ही गया शी इज वेरी गुड नो डाउट लाइक आई एम अग्रीइंग विद इट आई वोंट चेंज माय स्टेटमेंट
सी मैंने आपको कितने आप सारे पुरुष ही नहीं आप महापुरुष बोलते अब तो अवार्ड ले लो बट टेल मी व्हाट इज द सीक्रेट फॉर दिस केमिस्ट्री दैट वी सी सी ऑन स्क्रीन डज इट कम ऑर्गेनिकली और यू गाइस हैड टू वर्क I guess it's our friendship because as I said that हम दोनों ने बहुत अच्छा I think it's very important to be real in your life because अगर आप fake रहोगे अगर आप unreal रहोगे तो definitely वो bonding कभी नहीं बनेगी तो somehow she is also very real जो भी emotions होते हैं अगर से कुछ बुरा लगता है तो come and say you know बोल दो अगर मुझे कुछ बुरा लगता है या फिर अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं इसको बोलूंगी भाई तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो सीधा कभी ऐसे हुआ है हाँ हाँ शूट पे कभी कभी ऐसा हो जाता था कि इसे मेरा मूड नहीं है और मैं लाइंस कर रहा हूँ मैं बहुत फोकस्ड हूँ उसमें अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो इसको पता चल जाता था कि मैं थोड़ा ऑफ चल रहा हूँ मैं सीन पे कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हूँ और उसमें आशिक कुछ कर देंगे आशिक मैं ऐसी तो समझ जाती थी तो वहीं से आपकी बॉन्डिंग शुरू हो जाती है कि जब आप एक दूसरे को समझने लगते हो कि कहाँ पे इसका मूड ऑफ है या फिर कहाँ पे यू नो कैसे बॉन्डिंग होनी चाहिए तो क्या जब एक्टिंग भी कर रहे होते हो तो अगर मैंने कुछ इम्प्रोवाइज किया तो समझ जाती है कि तो कि इसने इम्प्रोवाइज किया तो वो भी साथ में इम्प्रोवाइजेशन होता रहता है जब एक आर्टिस्ट की बॉन्डिंग बन जाती है पब्लिक की भी बन जाती है ऑटोमेटिकली बन जाती है बिकॉज़ यू नो ईच अदर वेरी वेल बट इज देयर एनीथिंग इन पर्टिकुलर जिसकी वजह से बॉन्डिंग आप लोगों की काफी बनी जैसे लोग फूड पे बॉन्ड करते हैं गाने पे डांस पे बॉन्ड करते हैं आई गेस वी बोथ आर वेरी ट्रांसपेरेंट इन दैट टर्म मतलब हम दोनों का ही वैसा है कि हम बहुत ज्यादा दूसरों की बातें बहुत करते हैं ये गॉसिप बहुत करती है तो आई थिंक वहां पे बॉन्डिंग बहुत है क्योंकि मैं इसने बोला मैं चुप क्यों रहता हूं क्योंकि एक बार शुरू होता है तो ठप 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 चलता रहता है और फिर उसमें आशी भी रहती फिर स्मिता मैम हम तीनों बैठते हैं तो बस दुनिया भर जाओ कसम चार पांच घंटे बात ही करते रहेंगे और हम कैसी बातें करेंगे ना अगर कोई हमसे पूछ ले कि टॉपिक क्या होता है तो हमें नहीं पता वाज अबाउट टू आस्क व्हाट इज इट दैट यू गाइस गॉसिप अबाउट हम ऐसे ऐसे टॉपिक होते हैं हम बॉटल कैसे बनती है वो भी टॉपिक डिस्कस करते हैं और सेट पे लोग कैसे हैं उसकी बातें करते हैं चलो पर्टिकुलर पर्सन की बातें करते हैं कि वो कैसा है क्या करता रहता है ये तो और बहुत सेम गॉसिप करते हैं पिचिंग नहीं करते बट गॉसिप करते हम सेम चीज को अलग-अलग तरीके से तो वो हर बार एक इंटरेस्टिंग और नया टॉपिक लगता है ओके आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई दे आर सो गुड ऑन स्क्रीन एज वेल बिकॉज रियल बॉडीज है रियल बॉडीज है इसलिए रियल बॉडीज भी उतने ही अच्छे हैं और रील बड़ी आप इसलिए भी बोल सकती हैं बिकॉज़ इसको रील में इंट्रोड्यूस मैंने कराया है दैट इज ट्रू हां मुझे सोशल मीडिया पे एक्टिव होने में अभी भी काफी दिक्कत होती है आई लाइक पुश माय सेल्फ टू बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया फॉर माय फैंस को मुझे बोलते रहते प्लीज पोस्ट समथिंग तो मैं बहुत कोशिश करती हूं बट वो कहीं ना कहीं जो पुश होता है ना वो मुझे सिद्धार्थ ने दिया तुम क्या करो हुआ करो अरे मतलब ही आई थिंक यू शुड जस्ट पे हिम नाउ बिकॉज़ ही इज योर मैनेजर यू नो ही इज हेल्पिंग यू विद वर्कआउट्स ही इज हेल्पिंग यू विद सोशल मीडिया थिंग सीरियसली ही रियली पुश्ड मी अ लॉट करता हूं अपने But why is she very lazy when it comes to posting? No, she is not lazy. No doubt, she is very hardworking. और जैसे मैंने आपको बताया ना, she is a very fast learner. अगर आप इसको कुछ बोलोगे, तो ये करती है. ऐसे नहीं कि हाँ सुन के कुछ लोग होते हैं ना कि एडवाइस भी ले लेते हैं और कुछ करते भी नहीं है. तो ये एडवाइस लेती है तो उसको अप्लाई भी करती है. So that's a very good thing about. Okay, now we move on to next segment, which is called Buddy Meter. तो इसमें I will ask you a few questions about Siddharth and to you about Ashia. Let's see. यहाँ पे मैं थोड़ा हार जाता हूँ So how many Insta followers does Siddharth have right now? 7.7 या 8 million. यार Your real partner came on camera. Born we dead. Born we dead kya tha? She's right. She has researched everything. Un dino ki baat. Nahi maine bataya na hum kisi bhi topic pe baat karte the to this was the topic. Un dino ki baat. Nahi. Woh na hai. Maine to wahi dekha hai. Un dino ki baat nahi maine usko dekha hai. Koi aur pehle bhi hai. Isse pehle tumne jo secret diary. सीक्रेट डायरी तो सीक्रेट इसलिए देखा सीक्रेट डायरी इन्होंने तो ये उन दिनों की बात भी नहीं देखी नहीं देखा उन दिनों की बात मतलब ऐसे पूरा देखता नहीं था मैं रोज बैठ के देखा है मतलब वहां से इसको मैं जानता हूं व्हाट डिड यू सी ये उन दिनों की बात में से
उसमें मैं कंफ्यूज हो गए थे कर क्या रही है कि ये हंस रही है या रो रही है. तो आई थिंक वो वहाँ से मैंने देखा था कि ये करना क्या चाह रही है, हंस रही है या रो रही है. फिर बाद में पता चलता है कि आई थिंक इमोशन ही ऐसा है कि हंसते हंसते रो रही है. अच्छा चलो मतलब वो तो बड़ा मुश्किल होता है ये मैंने देख लिया कि मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है. एक तो पक्का होगा फॉर वर्क इंक्वायरीज मेल मी हियर, वो तो होगा. वो तो जेनेरिक है वो एक होगा. और उसके ऊपर क्या लिखा होगा, आई एम एंजल बटरफ्लाई समथिंग लाइक दैट. आई डोंट नो यार ये बहुत गंदा है. आई एम एंजल, एम आई दैट गर्ली. अच्छा ये तुम्हारा कैप्शन है बायो में? नहीं. अच्छा मेरा क्वेश्चन है. आई डोंट नो सिद्धार्थ का. आई थिंक इनका वर्कआउट मेरा एक ही बायो हमेशा रहा है जो मैंने आज तक. आई एम द वन एंड ओनली. बी द वन एंड ओनली. बी द वन एंड ओनली. और बस मेल इंक्वायरीज मेल हियर और यूट्यूब लिंक. बट व्हाट इज योर्स? माइन इज कमिटेड टू वर्क एंड मुझे भी अपना याद नहीं. वाओ नाइस. सो नाउ व्हाट वाज द कैरेक्टर नेम ऑफ सिद्धार्थ फ्रॉम धूम 3? एक मिनट, आई हैव वॉच्ड दैट फिल्म इन थिएटर. धूम 3 में भी था सिद्धार्थ? किधर था? क्योंकि मैंने थोड़े वक्त पहले बोला कि बहुत फेमस कैरेक्टर था बट मुझे कंफ्यूजन पड़ गया नाम में. कुछ तो ऐसे था, समायरा सानिया. नहीं नैना कैरेक्टर पूछ रही हूँ. नहीं मैं इसका बता रहा हूँ क्योंकि बारी तो मेरी भी आने वाली है. ओह या नो बट आई एम नॉट गोना आस्क यू अबाउट सेम क्वेश्चन ये दिनों की ना. आई एम आस्किंग हर कैरेक्टर नेम इन कैदी बैंड. दोनों ने Jailer's daughter, that's what I played and I don't remember the name of my character. Because I was called Jailer's daughter. सही पता. Jailer's daughter. हाँ यार मतलब ये तो इन्हीं को नहीं पता. जब नहीं पता तो मुझे कैसे पता? कभी इसने जिक्र नहीं किया. But dude, because Inka character became very popular from Doom. I know. अच्छा. तुम्हें नहीं पता? Remember? मुझे पता. I told you the story. मैं Doom 3 देखने गई थी in my 10th standard. वो छोटी थी. So I went with my friends. मैंने पूरी फिल्म थिएटर में देखी है पर मुझे फिल्म का कुछ याद नहीं है बिकॉज हम दोनों हम लोग सारे टाइम बैठ के बस बातें. किसके साथ थी पहले ये बताओ? इतनी बड़ी फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस में इतना तहलका मचाया था, तुमने पैसे दिए, तुम गई किस लिए? तुम फिल्म नहीं देखी तो क्या कर रही थी? जनता wants to know. मेरी so the मेरी best friend जो थी 10th standard में. Best friend. मेरी best friend जो थी. Not था. हाँ जो मेरी best friend थी 10th standard में हम लोग बहुत बातें करते थे और. So you guys went to a theater. Room 3 लगी हुई. Chatting there. Yes. Vroom vroom हो रहा है. और ये बातें कर रहे हैं. पर मुझे भी इसमें कुछ फिशी लग रहा है. आई मीन यू गो टू अ थिएटर फॉर अ Doom 3 एंड देन यू आर चैटिंग बट वी हैड यू नो डबल रोल फेमस कैरेक्टर्स. या मुझे मूवी से नहीं आता बट वी हैड अ कन्वर्सेशन जिसमें इसने बहुत बार बताया है मैंने साहिल के बावजूद मुझे नाम याद नहीं होते. आई एम वेरी बैड विद नेम्स एंड डेट्स एंड फेसेस. हैव यू एवर बिकॉज़ फेसेस आई कैन आल्सो कनेक्ट विद. आई आल्सो हैव वेरी बैड टाइम बाहर आके मुझे बोलते हैं हाय और वो वाला वार्म हाय होता है कि कितने अच्छे से हम मिले हुए हैं. मेरा होता है हाय
मुझे लगता है दो तीन साल बाद मैं ही मिलूंगा देवी हाय कौन हो I don't think she'll ever do that to you. You have helped her. मैं होने नहीं दूँगा. You have helped her too much for her to forget you. But हाँ ठीक है मतलब जानते हो एक दूसरे को ऐसे भी नहीं है. लेकिन movie देखने नहीं गई. ये मैं देख movie. ये तो मुझे भी जानना है. I think people should write in comments what was she actually talking about. Tenth. Yeah. Hot topics. और उसी वक्त है जब hot चीजें भी होती हैं. नहीं. Hot topics, hot चीजें. But now you know it's Sahil. Silence and summer. Okay, in this, the last one, what is your real buddy extremely scared of? Snake. Oh, yes. I am. Magar snake, you know, mere se 10 kilometer bhi dur hoga na, to main dar jaunga. Kyun? Upar khada ho jayega. Haan. Pata nahi, mujhe na, जितनी भी ऐसे reptile चीजें होती हैं जो ऐसे दीवार पे पटका पटका के मारूंगा देखिए मुझे शेर से डर नहीं लगेगा मुझे किसी से डर नहीं लगता अगर वो सामने खड़ा है तो मैं फिर भी डरूंगा नहीं बट अगर स्नेक है मेरे आजू बाजू नकली स्नेक भी हो तो बिना हैव यू एवर प्लेड अ प्रैंक मैं डर जाता हूँ एक बार ऊपर से हम दोनों ऐसे चेयर पे बैठे थे ऊपर से किसी ने बोला साम साम सिद्धार्थ वो पूरी बात मतलब मैं सुन के बस सुनने ही वाली थी अच्छा क्या सांप कुछ बोल रहे तब तक तो सिद्धार्थ कुर्सी के ऊपर खड़ा हुआ था वो ऐसे ही करा था बोले हैंड्स अप करके सांप कहाँ है सांप मैं बहुत डर रहा हूँ बहुत डर रहा हूँ एंड व्हाट आर यू व्हाट इज शी स्केयर्ड ऑफ मैं डरती नहीं हूँ मैं डरती हूँ निडर लड़की है मैं बताती नहीं हूँ मैं किससे डरती हूँ किससे डरती होगी यार तुम पता नहीं मैंने कभी मेरी माँ से मम्मी से मतलब ये तो सब डर पर कभी देखा नहीं तुम्हें डरते हुए मम्मी से मैं मम्मी स्वीट है ना डराती नहीं जब डराती है तब फिर पता चलेगा व्हाट आर यू मोस्ट स्केयर्ड ऑफ व्हेन इट कम्स टू लाइक व्हाट इज इट अबाउट इट क्या डर लगता है मम्मी से भी तो कुछ चीजों का डर लगता है जूती ना पड़ जाए ये डर लगता है आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग दो आई डोंट लाइक स्पाइडर्स आई फाइंड देम वेरी अ सो आई हैव दैट अ फीलिंग्स फॉर सो मेनी थिंग्स बट आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग आई गेस Wow, she is actually fearless. Now, I'm not, but yeah. At least she tries to be. Wo important hai, right? Now, I think with this, you guys know each other very well, is what I would say. Bio ka chalo jaane dete hu main. I know better. मैंने एक क्वेश्चन मैंने एक आंसर कोई भी आंसर नैना बता दिया ना नैना ही बता दिया मैंने मतलब चलो he did not know about और the film but उसका तो आपको भी नहीं पता था so I can't expect him to know था ना नैना और Thank you both. Hi everyone, I am Siddharth Nigam. Hi, this is Ashi Singh. And you are watching us on Bollywood Bubble. So don't forget to subscribe Bollywood Bubble. Yeah, and like and share if you like this video. They will definitely do it because they are going to like this video for sure. Bollywood Bubble ko aap jaakar check out kar sakte hain. Niche description mein link hai. और साथ के साथ मेरे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यार मुझे तो ये इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा लाइक वो जो पहले था ना कि सिद्धार्थ उसकी बात करते हैं ना कि सिद्धार्थ वो बहुत छोटा था मतलब मैंने देखा है वो अलादीन जो पहला सीज़न था उसमें भी सिद्धार्थ की दाढ़ी वगैरह नहीं थी और मेरे ख्याल है टू में भी नहीं थी लेकिन जब वो बहुत ना फेस कट्स होते हैं ना इंसान के थोड़े बच्चों वाले उस तरह के थे तो वो तो यार कमाल था मतलब एक बच्चे के आप देखो एक बच्चे के सिक्स पैक्स समझ रहे हो आप बड़ा मतलब शुरू से ही फिटनेस फ्रीक है ठीक है और जो ये बता रहा है कि यार आशी बहुत ज़्यादा नर्वस थी उसने इसको हेल्प किया और ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है यार मैं कहता हूँ कि अगर आप एक तो दूसरा के रिप्लेसमेंट हो रही है अवनीत की जगह पे आशी आ रही है उस ही करैक्टर को उसी तरीके से निभाना है अपनी तरीके से नहीं उसी की तरीके से निभाना है ताकि पब्लिक उसके साथ जुड़ सके कि हाँ ये ठीक है सही है चलेगा काम लेकिन
वो करना जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है यार, किसी की एक्टिंग उठा के जो आपने खुद को करना है ना, वो मुझे लगता है कि यार काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। मतलब अगर कोई छोड़ के जा रहा है उसका छोड़ा हुआ काम अगर आप लेते हो, मुझे तो वो हो जाती है यार कैसे, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और दूसरा इसने ये कि वो किया रिप्लेसमेंट पे, इसने इग्नोर बहुत किया लोगों को, मतलब हेट तो मिलेगी कि वो गई है तू ये इस तरह वो, मुझे पता है लोगों का, मुझे पता है कि किस तरह के ये कमेंट करते हैं। जब मैंने चैनल अपना ये वाला स्टार्ट किया था तो इंडिया में, इंडिया की तरफ से जो लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हेट आ रहा था, मतलब इतना हेट आ रहा था कि मैंने कहा यार कोई पॉजिटिव कमेंट्स नहीं आ रहे, क्या चक्कर है। तो फिर मैंने सोचा कि यार नहीं ठीक है कोई बात नहीं, हेट दे रहे हैं कोई बात नहीं, दे रहे हैं क्या जाता है अपना, कमेंट कर रहे करते रहे। तो लेकिन उसके बाद जब मैं करता रहा और पब्लिक को पता चला कि यार ऐसे नहीं होता, मतलब मैं वाकई में सीरियस हूँ इस उसमें, तो पब्लिक ने फिर अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और इतना प्यार दिया है शुरू से लेके अभी तक। जब कोई भी कमेंट आता है ना कि यार लव फ्रॉम इंडिया इस तरह से, कि बहुत अच्छे रिएक्शन, नाइस रिएक्शन, यहाँ पे ना खुशी होती है, बहुत अच्छा फील होता है। तो यार मुझे तो बहुत अच्छा लगा इनका इंटरव्यू, और जो मैं हमेशा से कहता हूँ कि सिद्धार्थ बहुत सेफ प्ले करता है बहुत बहुत बड़ी फिल्म है ये, कट मार के निकल जाता है। वो हमारा एक पिंडी का गाना है, क्या कहते हैं उसको, मौत आई तो मर जाऊँ, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊँगा, मैं तो पिंडी बॉय कट मार के निकल जाऊँगा, समझ रहे हो। तो ये भी उसी तरह से कट मार के निकल जाता है। ये बहुत ज़बरदस्त लगी मुझे इसके बाद, और आप लोगों को मेरा रिएक्शन कैसे लगा वो आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई क्योंकि वीडियो ही बड़ी थी। तो यार सब्सक्राइब आपने कर देना है चैनल को, और लाइक कर देना है वीडियो को, अगर हो सके तो शेयर भी कर दो, शेयर करने से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है बंदा। और यार वीडियो लाजमी पूरी देखा करें क्योंकि मुझे पता चलता रहता है कि आप लोग कितने मिनट की वीडियो देखते हैं, भाई एवरेज व्यू टाइम आता रहता है, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखा करो, ये जो स्किप 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 कर रहे होते हैं ना ये नहीं किया करो, ठीक है। तो मिलते हैं यार अगले रिएक्शन में, अब तक के लिए इतना ही, गुड बाय।